हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा इंडियन पोस्ट हरियाणा सर्कल में यहाँ पे बहुत सारे जो कि पोस्ट निकला हुआ है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह अप्लाई आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज जो कि यहाँ पे डिवाइडेड कर दिया गया है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताऊँगा कि किस तरह से जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप पोस्ट मैट्रिक लेवल या हायर सेकेंडरी, अगर आप हायर सेकेंडरी या ट्रेन अगर आप क्वालिफाई कर चुके हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ आपका एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 18 to 40 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फ़ीस जो है यहाँ पे आपको 100 रुपीज़ आपको लगेगा फॉर जनरल OBC वालों एंड SC ST PWD के लिए। यहाँ पे कोई भी आपको एप्लीकेशन नहीं लगेगा। और जो लोग फीमेल कैंडिडेट उसके लिए भी यहाँ पे कुछ भी एप्लीकेशन फ़ीस आपको नहीं ना आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑल इंडिया की स्टेट में बहुत सारे जो कि पोस्ट जो कि निकला हुआ है इंडियन पोस्ट में। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं स्टेट वाइज जो कि यहाँ पे बता देता हूँ कि क्या कौन सा टेस्ट में कौन सा स्टेट में कितना वैकेंसी निकला हुआ है। और इसके साथ साथ जो कि एप्लीकेशन डेट और लास्ट डेट जो है यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि हरियाणा में टोटल वैकेंसी जो है 682। एप्लीकेशन जो कि शुरू हो गया है 3 दिसंबर 2018 और लास्ट डेट है इसका 2 जनवरी 2018। इसके लिए इसका जो नोटिफिकेशन है मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ, उसके बाद इसका जो एडवर्टाइजमेंट उसको मैं क्लियरली आप लोगों को बताऊंगा कि और क्या क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसको आपको फॉलो करके आपको एप्लीकेशन करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हरियाणा सर्कल में जो कि यहाँ पे जो पोस्ट निकला हुआ है ग्रामीण डाक सेवक के लिए, एज लिमिट जो होगा यहाँ पे आपको 18 to 40 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। और 10+ अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज जो किया है आपको होना चाहिए मिनिमम, कोई भी आपको कंप्यूटर की सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे और क्या क्या डिटेल्स दिया गया है उसको भी मैं वन बाय वन आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे कैटेगरी जो है BPM, जिसके लिए आपको सैलरी यहाँ पे रहेगा 12,000। और ग्रामीण डाक सेवक के लिए यहाँ पे आपको 10,000 आपको सैलरी आएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया जो होगा, यहाँ पे आपको एक रिटर्न एग्ज़ाम देना होगा एंड उसके बाद आपको इंटरव्यू के थ्रू यहाँ पे आपका इस जॉब को मिल जाएगा। इसके साथ साथ इसका जो एप्लीकेशन के लिंक है मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते। और इस अलावा इसका जो सिलेबस है इसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके इसको वहाँ से देख सकते। तो दोस्तों, हरियाणा के जो पोस्ट इंडियन पोस्ट के हरियाणा सर्कल में जो जो रिसेंटली पोस्ट हुआ है उसका ये डिटेल आप लोगों को बता दिया है। अगर आप लोगों को पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे इस चैनल को। और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स से कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जल्द से जल्द दे दूंगा। थैंक यू फ्रेंड।